नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार से फिर स्वागत है। दोस्तों, इंस्टेंट पैन कार्ड तो हम लोग घर बैठे ही बना लेते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां रहती हैं जो कि हमारे लिए सही नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं इंस्टेंट पैन कार्ड के बारे में ही बताऊँगा कि हमें क्या क्या उसमें सुधार करना पड़ता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही हेल्पफुल कॉन्टेंट देखने को मिलता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इंस्टेंट पैन कार्ड बनाने के लिए आपको पता है कि सबसे पहले आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए, जब ही आप बना पाएंगे। और होता क्या है, अब मैं आपको वो बता रहा हूँ, थोड़ा इस चीज़ को ध्यान से सुनिए। एक्चुअली पैन कार्ड में जो पहली बार तो जो फ़ोटो आती है वह आधार कार्ड की होती है, जो कि मान्य नहीं होता है। क्या होता है गाइस, आप कहीं लोन लेने जाते हो या बैंक में अकाउंट ओपन करने जाते हो, तो वहाँ पर जब आप अपना पैन कार्ड सबमिट कराते हो तो वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्या पता वह आप काफ़ी ज़्यादा छोटे हों जबकि वो फ़ोटो हो, तो वह एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो पहला कारण तो यह हो गया, इंस्टेंट पैन कार्ड में जो फ़ोटो आती है वह एक्सेप्ट नहीं होती है। दूसरा पॉइंट दोस्तों यह है कि उसमें आपके पिताजी का नाम नहीं होता है। आपने जो इंस्टेंट पैन कार्ड बना होगा उसमें देखा होगा कि उसमें पिताजी का नाम नहीं होता है। और बहुत सारे वैसे बैंक है, MFI है या फिर कंपनी है जो कि आपका पिता का वेरिफिकेशन के लिए पैन कार्ड मांगती है, क्योंकि यहाँ पर यूजली पिता का नाम होता है। तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप समझ लीजिए। तीसरा पॉइंट यह है कि उसमें सिग्नेचर नहीं होता है। जो इंस्टेंट पैन कार्ड होता है आपने देखा होगा उसमें सिग्नेचर नहीं होता है, जो कि टोटली इनवैलिड यह माना जाता है। अगर आप कहीं पर अपने इस दस्तावेज़ को जमा करते हैं तो आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बोलते हैं भाई साहब इसमें तो आपका सिग्नेचर ही नहीं है। बहुत सारे वैसे कंपनी है, बैंक है या फिर और भी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर आपका सिग्नेचर वेरिफिकेशन के लिए पैन कार्ड मांगते हैं कि वहाँ पर आपका कौन सा सिग्नेचर है वो मुझे दिखाइए। तो तीन ये पॉइंट है जो कि इंस्टेंट पैन कार्ड में आपको देखने को नहीं मिलता है, और आपका जो पैन नंबर है वो परमानेंट वही रहेगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।